उसका वो आता है 10,000 का प्लस 2,000 की लेबर। तो बचाने के लिए इसको क्या करना चाहिए? जहाँ पे ऑयल जाना चाहिए तो वहाँ पे पानी जा रहा है। हेलो गाइस, वेलकम टू न्यू वीडियो। आज का जो वीडियो है वो बहुत ही ज्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है उन लोगों के लिए जो मारुति की गाड़ियां चलाते हैं। मारुति का जो प्रोडक्ट है आज वो है वैगनार, जो कि बहुत ही ज्यादा बिका हुआ प्रोडक्ट है और बहुत ही ज्यादा रिलायबल प्रोडक्ट है। इस गाड़ी के अंदर क्या हुआ, एक प्रॉब्लम आ गई है। जनरली वो प्रॉब्लम आती नहीं है, इस गाड़ी में क्या प्रॉब्लम आ गई है वो हम डिस्कस करेंगे इस गाड़ी के ओनर से। इस गाड़ी के ओनर है दीपक। दीपक, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बस बिल्कुल बढ़िया। आप बताइए इस गाड़ी के अंदर क्या प्रॉब्लम आई है? गाड़ी में जो मेन दिक्कत आई थी मेरी गाड़ी में आई थी अल्टरनेटर की दिक्कत इस वजह से आई थी। मैंने जब मैकेनिक से पता किया था कि दो रीज़न होते हैं, या तो पानी जाना अल्टरनेटर में, बरसात में आपने गाड़ी चलाई नीचे थोड़ा पानी ज़्यादा है वो अल्टरनेटर में रहता है, आप उसी में गाड़ी चला देते हो तो आपके बेयरिंग्स और उसके प्लेट्स होती है उसको ख़राब करता है। ठीक है, आप दिखा देते हैं आपको। सबसे पहले अल्टरनेटर दिखा देते हैं, इसका अल्टरनेटर होता क्या है। तो ये इसका अल्टरनेटर है, तो यहाँ पे ये इसका अल्टरनेटर है जो कि गाड़ी के अंदर इलेक्ट्रिसिटी को सप्लाई करता है। इसके अंदर बेयरिंग्स होते हैं, बेयरिंग्स जो होते हैं वो इसके खराब हो गए। तो क्या बोला मैकेनिक ने, क्या बोला मैकेनिक ने? बोला इसमें दो ही काम होते हैं, या तो रिपेयर होगा या फिर आपका चेंज होगा। तो जो इसका नया है प्राइस है शोरूम का वो आता है 10,000 का प्लस 2,000 की लेबर। मतलब शोरूम पे, ये शोरूम पे आपने चेक कराई थी तो आपको 12,000 रुपए का एस्टीमेट दिया था प्लस जीएसटी जो भी वो लगाई है। अच्छा, प्लस जीएसटी इसके बाद? जीएसटी, ठीक है। तो उसके बाद आपने क्या किया फिर इसका? फिर मैंने गाड़ी वहाँ से निकाली, लोकल मैकेनिक पे लेके गया उसको, मैंने सेम चीज़ उसने भी मेरे को यही प्रॉब्लम बताई, तो मैंने उसको रिपेयर का खर्चा पूछा। तो लोकल अगर आप वैसे कराओगे तो 1200-1500 से स्टार्टिंग है, लेकिन वो खुलने के बाद पता चलता है कि उसमें तीन पार्ट्स में होते हैं, प्लेट होती है, बेयरिंग होती है और एक बेल्ट होती है। तो जिसमें मेरी बेल्ट ओके थी उसका खर्चा नहीं आया, प्लेट और बेयरिंग का खर्चा आया था जो कि मेरा आया था 3400 रुपये, वो भी मैंने गो मैकेनिक के थ्रू कराया था, जिसमें 800 रुपये की लेबर होती है वो 3400 में इंक्लूड है। अच्छा, इंक्लूडिंग लेबर आपको 3400 का जो है इसका खर्चा आया है। खर्चा, लेकिन आप कह रहे थे कि इसके बाद भी अभी जो है गाड़ी प्रॉपरली सही नहीं हुई है। इसके बाद दिक्कत ये आई कि मेरा ओटी सेंसर ख़राब है। मैंने गाड़ी की स्कैनिंग कराई थी तो ये ओटी सेंसर होता है जो आपके मेन इंजन को पूरी गाड़ी को पावर सप्लाई करता है। अच्छा, जो ये जनरेट करता है वो पूरी गाड़ी को सप्लाई करता है, ओटी सेंसर जिसे बोलते हैं। तो ये इसमें आपके दो पार्ट्स होते हैं, एक ये डायरेक्ट इंजन पे जा रहा है, एक इसके नीचे से यहाँ से जाता है ये वाला, ये वाली जो वायर नीचे वाली वायर है। तो ये मेरी ओके है, ये खराब है। इसकी वजह से क्या दिक्कत आएगी, आपकी स्टेयरिंग की लाइट आएगी, स्टेयरिंग हार्ड हो जाएगा चलते चलते। ठीक है, आपका पेट्रोल का जो आपका मीटर है उसमें फ्लक्चुएट होता है, मतलब जितना भी इलेक्ट्रॉनिक्स है वो ये कंट्रोल फ्लक्चुएट होगा। आपको दो होंगे, आपको कभी तीन दिखा देगा फोन, कभी दो पे आ जाएगा, कभी जीरो दिखा देगा, ऐसे करोगे। तो अभी आपने बोला कि भाई ये जो इसका बेयरिंग टूटा या फिर इसका अल्टरनेटर जो खराब हुआ, आपको पता कैसे चला गाड़ी के क्या सिम्टम्स ऐसे दिखाए कि आपको लगा कि यार ये खराब हुआ है? मैं बताता हूँ, गाड़ी जब हमने चलाई क्या होता है, पहले मिसिंग मारेगी गाड़ी, गाड़ी आपकी नॉर्मल चलती रहेगी, बीच में आपको ऐसा लगा झटके ले रही है गाड़ी, पहले वो मिसिंग मारेगी, फिर आपकी गाड़ी जब कंटिन्यू स्पीड में रहेगी तो पूरा स्पीडोमीटर उड़ जाएगा, गाड़ी में जो भी लाइट्स होंगी सब काम करना बंद कर देंगी, आपका हॉर्न नहीं बजेगा, मतलब बैटरी से रिलेटेड जो भी पार्ट्स होंगे, जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स होंगे वो धीरे धीरे चले जाएंगे, सब बंद हो जाएगा। फिर उसके बाद मैंने उसको मैकेनिक को दिखाया तो उसने मेरे को बताया कि अल्टरनेटर ठीक है। ठीक है, अब जब अल्टरनेटर ठीक हो गया है तो क्या अल्टरनेटर खराब होने की वजह से आपका ये ओटी सेंसर गया है? नहीं, ये अलग से गया, ये अलग से इसलिए गया होगा, कभी मेरी गाड़ी पहाड़ों पर गई होगी तो हो सकता है कोई पत्थर लगा हो उसके ऊपर, कुछ भी हुआ होगा, या कुछ टाइम बाद जैसे 5-6 साल हो गए गाड़ी को तो जंग की हो सकता है, अगर एक बार साफ करने के बाद काम कर जाए जंग की लग सकता है, कुछ भी हो सकता है। मतलब अभी वो आपने ओटी सेंसर चेक नहीं कराया? चेक नहीं कराया, वो कल मैं जाऊंगा। तो ओटी सेंसर में क्या प्रॉब्लम आ रही है? ओटी सेंसर आपका गाड़ी को सेंस करता है, पूरी गाड़ी को एक तरीके से आपका क्या बोलते हैं उसको, सप्लाई भेजता है कि आपका इतना फ्यूल है, इतना गाड़ी के अंदर जो ऑक्सीजन जो हवा जा रही है, एयर इतनी है, एसी का इतना काम कर रहा है, ये डायग्नोस, ये पूरी गाड़ी को डायग्नोस करके वो भेजता है, अपना सिग्नल भेजता है। ठीक है, तो अभी अगर जैसे ये खराब आप बता रहे हो तो ऐसे क्या सिम्टम्स आ रहे हैं गाड़ी में? स्टेयरिंग हार्ड हो रहा है। फिर जो मेरा फ्यूल का मीटर है अभी दो दिखा रहा है, तो कभी तीन दिखा देगा, कभी एक दिखा देगा, क्योंकि वो सेंस नहीं कर पा रहा उसको कि कितना भेजूँ मैं कितना। अच्छा, वो एक्स क्योंकि सेंस नहीं कर पा रहा है, उसका ओटी मीटर खराब हो गया है। तो अब क्या बोला है एक मैकेनिक ने जो आप, ये ओटी मीटर रिपेयर नहीं होता, ये चेंज होता है, ये पूरा चेंज होगा। और कितने का? मैंने लोकल मैकेनिक से पूछा था तो कह रहा था आप इसको कंपनी में ही कराओ, क्यों? उसका रीज़न ये है कि जब वो ओटी मीटर चेंज करेगा ना तो कह रहा है कंपनी वाला भी एक बार दो बार लगाएगा, तीसरी बार में भी उसका काम पूरा नहीं होता, वो इसलिए होता है क्योंकि ये मेन इंजन को कनेक्ट कर रहा है। अगर मैंने बाहर से लगवाया हो सकता है अभी चल जाए, एक महीना चल जाए, उसका फिर खराब हो जाए। क्या होगा जब वो ओटी सेंसर चेंज करेगा सर्विस सेंटर वाला, तो गाड़ी में फिर से इंजन स्कैनिंग करेगा, कोडिंग देगा गाड़ी को, ये कोडिंग देगा कि मेरा ये पार्ट चेंज हुआ है, ये नया लगा है, ये उसका एक नंबर होते हैं, कुछ नंबर होंगे इनके ओटी सेंसर के, वो कोडिंग में डालेगा, वो कोडिंग मैच कराएगा, ताकि गाड़ी को प्रॉब्लम, और ये आपकी कोडिंग करके जो है वो
उसको वो कर दे बैलेंस करके रखे या जो जो अगर मैं बाहर से कराऊंगा बाहर से चेंज कोई भी कर देगा कोई लोकल भी डाल देगा लेकिन वो कोडिंग नहीं कर पाएगा तो गाड़ी में दिक्कत आई जाएगी गाड़ी बंद हो जाएगी चलते तो मैकेनिक ने आपको बोला है इसके अंदर पानी चला गया होगा इस वजह से ये प्रॉब्लम आई है तो गाड़ी कितनी चल चुकी है अभी गाड़ी मेरी 60,000 में ही ये प्रॉब्लम आ गई है पानी की वजह से तो इसमें क्या करना चाहिए संभाव कैसे भी आ सकती है जरूरी नहीं है कि पानी हो अब गाड़ी 60,000 हो गई है 6 साल पुरानी भी हो गई है 60,000 भी चल भी चुकी है तो धीरे धीरे एक पार्ट है मैकेनिकल पार्ट है कुछ भी हो सकता है बट हाँ। जो इसका मेन है पर्पज है खराब होने का वो होता है पानी पानी मतलब वही मैं कह रहा हूँ कि जनरली अल्टरनेटर जो है वो खराब नहीं होता मुझे इसलिए पता था क्योंकि मेरी गाड़ी थी मेरे पास जेन गाड़ी थी उसका भी अल्टरनेटर खराब हुआ था तो मैंने कहा ये क्या होता है तो जब उसका भी हमने चेंज कराया था हमारा भी ऑफकोर्स कंपनी से जो है उस टाइम पे 7,000 या 8,000 रुपये का था तो मैंने किसी का सेकंड हैंड लिया था तो मुझे 2,500 रुपये में वो पड़ा था सेकंड हैंड इन द सेंस कोई जैसे गाड़ियाँ वाड़ियाँ कटती है पुरानी हो जाती है उनके जो है पार्ट्स यूज हो जाते हैं तो वो किसी मैकेनिक ने मेरे को ला के दिया था और वो ऐसे और ये भी डायरेक्ट ऐसे नहीं पता चला पहले क्या होता जब गाड़ी की लाइट वाइट बंद हुई गाड़ी मिसिंग बंद हुई तो सबसे पहले हमने बैटरी चेकअप कराया तो मेरे को जो लोकल मैकेनिक ने बोला कि आपकी बैटरी खराब है तो मैंने उसको बोला कि नहीं बैटरी नहीं है 2 साल हुए थे ये अंडर वारंटी भी है मैं कहा बैटरी तो नहीं है फिर उसने अपनी नई बैटरी लगाई उसने उससे इंजन स्टार्ट किया वो वापस सेम प्रॉब्लम आ गई तब उसको पता चला कि सप्लाई नहीं जा रही है गाड़ी क्योंकि ये हमारा जनरेटर का काम करता है जनरेट करता है इलेक्ट्रिसिटी जो कि बैटरी को चार्ज करता है जनरली अल्टरनेटर इतनी जल्दी जाता जाता नहीं है जाता तो बट लेकिन मैकेनिक ने आपको ये बोला कि हो सकता है पानी की वजह से चला गया तो बचाने के लिए इसको क्या करना चाहिए कुछ नहीं करना कभी भी आप गाड़ी वॉश कराते हो यहाँ पे हम गाड़ी जो बाहर से वॉश कराते हैं लोग क्या करते हैं डायरेक्टली पानी मार देते हैं अगर आप किसी सर्विस सेंटर पर आओगे तो आप देखना प्रेशर से पहले साफ करते हैं और जो उनका पानी का भी प्रेशर होता है वो वैसा वाला वो वैसे भी इसके ऊपर बिछाते हैं तो कपड़ा बिछाते हैं हमेशा इसको कवर करके रखना होता है तो अब जैसे हम बाहर से करा देते हैं लोकल साफ कराते हैं तो इसमें पानी चला जाता है अगर चला गया पानी कोई दिक्कत नहीं है उसमें आपको क्या करना है गाड़ी को थोड़ी 10-15 मिनट आधे घंटे खड़े रहने दो पूरी गाड़ी का पानी निकलने दो बाद जब यहाँ से पानी निकल जाएगा उसके बाद गाड़ी स्टार्ट करो अगर आपने अभी इसमें पानी डाला साफ किया आपने गाड़ी स्टार्ट करी वो धीरे धीरे उसके अंदर पानी चला जाएगा वो रिश्ता रहेगा अंदर अंदर क्योंकि वो बैरिंग से जो घूम रहे थे पानी घूमेगा तो यहाँ पे ऑयल जाना चाहिए तो वहाँ पे पानी जा रहा है इसमें तो एक बार चेक कर लेते हैं अंदर की क्या सिस्टम हो रहा है इसके अंदर क्या क्या जो है वो प्रॉब्लम आ रही है तो ये जैसे कि अभी स्टार्ट करते हैं क्योंकि अभी सारी लाइट्स आ रही है ये हमने स्टार्ट किया तो ये स्टेयरिंग लाइट आ रही है और ये इंजन लाइट भी आ रही है देखो आना जाना कर रही है जो इंजन चेक लाइट है ये इसलिए जल रही है क्योंकि ओटी सेंसर खराब है अच्छा इंजन लाइट जो चल रही है वो ओटी सेंसर खराब है और जो स्टेयरिंग बार बार आ रहा है वो कभी भी किसी की गाड़ी में इंजन चेक लाइट आए आप जब स्कैनिंग कराओगे कार की 500 से 500 रुपए में बाहर से हो जाती है कंपनी वाले 600-700 रुपए चार्ज करते हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता वो स्कैनिंग बता देती है कि गाड़ी का कौन सा इलेक्ट्रिक पार्ट खराब है तो 51,000 चली गई छियासठ हजार चल चुकी है और ये जो स्टेयरिंग वाला है वो कह रहे हो बार बार आ जा रहा है और ये इंजन जो लाइट है वो हमेशा यहीं पे स्टेबल हो रही है तो वो हमेशा ही आ रही है इसलिए लाइट आ रही है क्योंकि मेरा ओटी सेंसर खराब है अच्छा जैसे ही मैं ओटी सेंसर चेंज कराऊंगा लाइट अपने आप मतलब वैसे भी गाड़ी चलाने में कोई दिक्कत नहीं है बट ये है कि स्टेयरिंग बार बार हैवी होता जा रहा है तो ये इन्फॉर्मेशन थी जो हम आप लोगों के साथ शेयर करना चाहते थे तो अगर आपके पास गाड़ी है तो आप भी अपनी गाड़ी का ध्यान रख सकते हैं थोड़ी सी प्रिकॉशन लेके 12,000 रुपए का एक प्लस उस पर ऊपर से 3,500 रुपए का जो ओटी सेंसर चेंज होना है वो है तो मतलब मोटा मोटा 15,000 के आसपास का खर्चा आप बचा सकते हो एक छोटी सी प्रिकॉशन लेके कि जब भी आप अपनी गाड़ी धुलवाओ तो उनको बोलो भाई इंजन में पानी नहीं जाना चाहिए क्योंकि एक छोटी सी गलती से इतना बड़ा खर्चा आपका आ सकता है तो ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो थी अगर आपको अच्छी लगी हो उसको लाइक कर देना शेयर कर देना कमेंट कर देना चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर देना मिलते हैं ऐसे किसी नई वीडियो पर बाय बाय।